Hello students, myself Dr. S.S. Chauhan and you are welcome to my YouTube channel Chauhan Maths. In this video, we discuss linear transformation and matrices with the help of example. See the example here. Let T, R square to R square be defined by TXY is equal to 2X minus 3Y X plus Y. Compute the matrix of T relative to the basis B, 1, 0, 0, 1. In this question, basis is given. Basis is standard basis of R square. This is also called E1, E2. First element is known as E1. Second element is known as E2. And we have to find matrix of T. Matrix of T relative to basis B. और इसके लिए हम लोग करते क्या हैं? हम लोग T of element of basis. T of element of basis should be expressed in terms of basis itself. T of each element of basis हम लोग निकालेंगे और उसे basis के terms में express करेंगे. T of E1 means T of 10. T of 10 can be found from here. T of X is 1 by 0. X is 1 by 0. So it will be 2. X is 1 by 0. 1. इसके बाद इस 2-1 को basis के terms में वापस express करना है. 2-1 को basis के terms में express करके देना है. क्योंकि ये स्टैंडर्ड बेसिस है इसलिए 2-1 को बेसिस के टर्म्स में एक्सप्रेस करने में कोई ट्रबल नहीं है देयर इज नो ट्रबल इन एक्सप्रेसिंग 2-1 इन टर्म्स ऑफ बेसिस वी कैन इजीली राइट 2e1 प्लस 1e2 2e1 प्लस 1e2 इफ इट इज नॉट स्टैंडर्ड बेसिस देन देयर इज लेंथी प्रोसेस एंड आई विल टेल यू इन नेक्स्ट एग्जांपल Let us find T of second element of basis. E2 is 0, 1. In this x is 0, y is 1. यहां पर आप x 0, y 1 लिखिए. तो आपको मिला minus 3. अब लिखिए x 0, y 1. तो 1 मिल गया. This can be written as minus 3 E1. Minus 3 times E1 plus 1 times E2. Because it is standard basis. So it's very easy to express 2-1 minus 3-1 in terms of elements of basis. Now matrix of T relative to basis B can be written in this manner. Write the matrix, put the transpose. Coefficients 2-1 minus 3-1 should be written in that order. 2-1 minus 3-1. And that's equal to, take the transpose, first row becomes first column, second row becomes second column. Yahi hai matrix of T relative to basis B. Shayad aapko samajh mein aa gaya hoga. Ab hum isse thoda bigger example par chalte hain. Bigger and more important example, it is there in the row. So let us go to next example. यहां पर आप देख सकते हैं दूसरा एग्जांपल है थोड़ा सा लेंथी भी और इफेक्टिव इंपॉर्टेंट भी लेट टी बी लीनियर ऑपरेटर ऑन आर क्यूब डिफाइंड बाय द फॉलोइंग टी एक्स बाय जेड 2x प्लस 2y प्लस जेड x माइनस 4y 3x ये डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है टू फाइंड मैट्रिक्स ऑफ टी इन द न्यू बेसिस इट इज नॉट स्टैंडर्ड बेसिस It is 1 1 1 1 1 0 1 0 0. In the previous example, it was standard basis. इस example में ये standard basis नहीं है. इसके बाद matrix of T relative to basis B निकाल करके आपको एक verification भी करनी है. Verification है TB into VB is equal to TV with respect to B. इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है आपको बेसिस के ईच एलिमेंट का टी निकालना है
बेसिज के एलिमेंट्स को एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री लिख दीजिए। बेसिज के एलिमेंट को एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, स्टैंडर्ड बेसिज नहीं है, आप इनको एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री लिख दीजिए। अब आप टी ऑफ एक्स वन निकालिए। टी ऑफ एक्स वन का मतलब है टी ऑफ वन वन वन, ये वाला एलिमेंट हमने यहाँ लिख दिया, इसे एक्स वन बोला हुआ है। और टी ऑफ वन 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 की वैल्यू निकालनी है ट्रांसफॉर्मेशन से, यहाँ से निकालना है आपको टी वन वन। देखो निकाल के दिखाता हूँ, टी वन वन ऐसे निकलेगा यहाँ से, रिप्लेस वाई वाई वन तो टू बन जाए टू, जेड वाई वन, फिर एक्स रिप्लेस्ड बाई वन एक्स कोऑर्डिनेट, माइनस फोर वाई मीन्स माइनस फोर, और थ्री एक्स, थ्री एक्स मीन्स थ्री बन जाए थ्री, सो दिस इज थ्री माइनस थ्री और थ्री, वो हमने यहाँ लिख रखा है। टी ऑफ एक्स वन इज टी वन 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 इज थ्री माइनस थ्री थ्री, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसी तरीके से टी ऑफ एक्स टू टी वन वन जीरो, वहीं से आप निकालिए, टू माइनस थ्री थ्री निकलेगा। टी ऑफ एक्स थ्री इज टी ऑफ वन जीरो जीरो, ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पर जैसे हमने वो टी वन 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 निकाल के दिया, उसी तरह आप इक्वेशन नंबर थ्री तक पहुंचिए। इसके बाद अब आपकी ड्यूटी क्या है, आपने टी एक्स वन टी एक्स टू टी एक्स थ्री जो ये निकाल रखे हैं, दे हैव टू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेसिज एलिमेंट्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इट्सेल्फ। इन्हें आपने एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। वन टू थ्री की राइट हैंड साइड को एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के टर्म्स में एक्सप्रेस करके देना है। अब ईच राइट साइड को अगर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो हार्ड पड़ेगा, लेंदी पड़ेगा, इसलिए हम लोग वंस फॉर ऑल इन तीनों के बदले एक ए बी सी पिकअप करके उस ए बी सी को एक्सप्रेस कर लेते हैं और फिर उसे फार्मूले की तरह यूज करते हुए इन राइट हैंड साइड्स को एक्सप्रेस कर देते हैं बेसिज के एलिमेंट्स में। इसलिए हमने एक एलिमेंट लिया यहाँ पर आकर के ए बी सी, यहाँ पर पहुँचिए, ए बी सी एक एलिमेंट ले लिया और उस ए बी सी को बेसिज के टर्म्स में राइटिंग कर दिया। ए बी सी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिज, अल्फा टाइम्स एक्स वन, दिस इज एक्चुअली अल्फा टाइम्स एक्स वन प्लस बीटा टाइम्स एक्स टू प्लस गामा टाइम्स एक्स थ्री। यहाँ वैल्यू पुट कुछ की हुई है, एक्स वन इज वन वन वन, एक्स टू वन वन जीरो, एक्स थ्री वन जीरो जीरो गिवन इन द बेसिज, और इसके बाद अल्फा इंटू वन प्लस बीटा इंटू वन प्लस गामा इंटू वन, वो यहाँ लिखा है, अल्फा इंटू बाई कोऑर्डिनेट वन प्लस बीटा इंटू वन प्लस गामा इंटू जीरो, वो यहाँ लिखा हुआ है, अल्फा इंटू वन प्लस बीटा इंटू जीरो गामा इंटू जीरो, वो यहाँ लिखा हुआ है। कंपेयर करके हमने वैल्यूज निकाली, तो इसमें अल्फा लास्ट कोऑर्डिनेट को अगर देखें, अल्फा की वैल्यू सी बनती है, सो अल्फा इक्वल टू सी रिटर्न। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी बनता है। यहाँ पर हम करके बता देते हैं, इसको ऑब्जर्व करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज ए ऑन कंपैरिजन, अल्फा प्लस बीटा इज बी एंड अल्फा इज सी, लास्टली अल्फा इज सी। अल्फे की वैल्यू यहां पुट बैक कर दे तो बीटा आ जाएगा, बीटा इज बी माइनस सी, और अल्फा बीटा दोनों यहां पुट कर दें तो गामा आ जाएगा। अल्फा क्या है सी, बीटा क्या है बी माइनस सी, और गामा दैट इज इक्वल टू ए, सो वैल्यू ऑफ गामा इज ए माइनस बी, गामा की वैल्यू ए माइनस बी, वही हमने यहाँ शो की हुई है, बीटा बी माइनस सी, अल्फा की वैल्यू सी। जब ये अल्फा बीटा गामा आ गए तो आप इस स्टार नंबर की इक्वेशन में वापस चलें, स्टार नंबर की इक्वेशन आपको ए बी सी की वैल्यू देगी। ए बी सी की वैल्यू आ गई है कितनी, अल्फा एक्स वन, अल्फा एक्स वन का मतलब है सी एक्स वन, फिर है बीटा एक्स टू बी माइनस सी ऑफ एक्स टू, गामा एक्स थ्री का मतलब ए माइनस बी एक्स थ्री, और ये हमने ए बी सी यहाँ पर लिख रखा है। ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर फोर
में देखी जा सकती है। ए बी सी का मतलब है सी एक्स वन, ये ऊपर लिखा है, बी माइनस सी एक्स टू, ए माइनस बी एक्स थ्री। ठीक है, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अप टू हियर। समझ में ना आया तो रिपीट करिए, रिपीट करके फिर समझिए, पेन और पेपर लेकर के लिखिए, आपको जरूर पता लग जाएगा। इसके बाद इक्वेशन नंबर फोर को यूज करते हुए आपने थ्री माइनस थ्री टी एक्स वन, जो इक्वेशन नंबर वन पे यहाँ छोड़ के आए हो, दिखता भी है टी एक्स वन, टी वन वन वन, थ्री माइनस थ्री थ्री। अब इस थ्री माइनस थ्री थ्री को आपने एलिमेंट्स ऑफ बेसिस के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, और वो उसके लिए फार्मूला निकल चुका है। टी एक्स वन की वैल्यू आ गई थी थ्री माइनस थ्री थ्री, हाँ आप यहाँ पर टी एक्स वन की वैल्यू थ्री माइनस थ्री थ्री। इस फार्मूले को यूज करते हुए सी इज थ्री, सी इज थ्री हेयर, बी इज माइनस थ्री, ए इज थ्री, राइट साइड में पुट कर दो। सी एक्स वन मीन्स थ्री एक्स वन, दिस थ्री एक्स वन, बी माइनस सी, माइनस थ्री माइनस थ्री, माइनस सिक्स एक्स टू, फिर आएगा ए माइनस बी, थ्री प्लस थ्री, सिक्स एक्स थ्री, इस तरह से आ गया। टी एक्स टू कैन बी ऑब्जर्व, टू माइनस थ्री थ्री, द फार्मूला इज हियर। सी एक्स टू का मतलब है थ्री एक्स, सी एक्स वन का मतलब है थ्री एक्स वन कर दिया, बी माइनस सी का मतलब है माइनस सिक्स टाइम्स एक्स टू कर दिया, फिर ए माइनस बी मीन्स टू प्लस थ्री, फाइव एक्स थ्री, दैट इज डन। टी ऑफ एक्स थ्री का मतलब जीरो वन थ्री, जीरो वन थ्री जो कि पहले निकाला हुआ आपने, और जीरो वन थ्री की वैल्यू यहाँ से फिर लिखें, जीरो थ्री एक्स वन बिकॉज सी इज थ्री, थ्री एक्स वन, फिर बी माइनस सी, बी माइनस सी मीन्स वन माइनस थ्री, माइनस टू एक्स टू, ए माइनस बी मीन्स माइनस वन एक्स थ्री। इस तरह से टी ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ बेसिस हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस इटसेल्फ, एंड यू आर वेरी मच रेडी टू फाइंड मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू बेसिस बी। दैट मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू बेसिस बी इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफिशेंट मैट्रिक्स, कोफिशेंट्स आर थ्री माइनस सिक्स सिक्स, थ्री माइनस सिक्स फाइव, थ्री माइनस टू माइनस वन, टेक द ट्रांसपोज। फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, एंड थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम। इस तरह से आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया है, मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू बेसिस वी हैज बीन फाउंड। नाउ वी गो फॉर डूइंग सेकेंड पार्ट, फॉर दैट लेट अस चेंज द पेज। Second part is here. Matrix of T relative to basis B already done. This thing is already done. और अब आते हैं matrix of V relative to basis B. इसके बाद ये जो activity की गई है ये निकालना है matrix of V relative to basis B. ये find out करने के लिए ये मैट्रिक्स ऑफ बी रिलेटिव टू बेसिस बी फाइंड आउट करने के लिए आप वी, वो स्टार नंबर कौन सी, इक्वेशन नंबर फोर थी, इक्वेशन नंबर फोर को आप रिकॉल करें, ये जो काफ़ी मेहनत के साथ हमने निकाली थी, उसी ए बी सी को हम वी कहते हैं, और वी को पहले ही एक्सप्रेस किया हुआ है हम लोगों ने, सी एक्स वन, बी माइनस सी एक्स टू, ए माइनस बी एक्स थ्री, बेसिस के टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ है पहले ही। इसलिए मैट्रिक्स ऑफ बी रिलेटिव टू बेसिस बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोएफिशिएंट्स सी, बी माइनस सी, ए माइनस बी। ट्रांसपोज ले लीजिए, आपको सी, बी माइनस सी, ए माइनस बी मिल गया। अब आती है बात मैट्रिक्स ऑफ टी वी रिलेटिव टू बेसिस बी की। ये एक स्टेप कंप्लीट हो चुका है। Now we try matrix of TV with respect to basis B. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, T of V, V आपने ABC लिया हुआ है, T of ABC is equal to this by definition, क्योंकि definition क्या थी, definition थी Tx by Z is 2y plus Z,
एक्स माइनस फोर वाई 3x। ये बेसिक क्वेश्चन में बिगिनिंग में डेफिनेशन दी थी, इस डेफिनेशन को हमने यूज कर डाला, टी ऑफ एबीसी निकाल डाला। टी ऑफ एबीसी है 2y प्लस जेड मतलब 2b प्लस सी, फिर है एक्स माइनस फोर वाई का मतलब ए माइनस फोर बी, फिर है 3x, 3x का मतलब 3c, 3a, 3x का मतलब है 3a, एक्स इज ए। तो इस तरह टी ऑफ ए बी सी निकल चुका है। अब हमने जो फार्मूला नंबर जो फोर था यहाँ पर, इसे यूज करना है, इसे चेंज करने के लिए। फार्मूला नंबर फोर क्या कहता है? सी एक्स वन, सी एक्स वन का मतलब है 3a टाइम्स एक्स वन। बी माइनस सी, बी माइनस सी का यहाँ मतलब है सेकेंड माइनस थर्ड, ए माइनस थ्री ए, ए माइनस थ्री ए माइनस टू ए और माइनस फोर बी, वो यहाँ है सेकेंड माइनस थर्ड, और ए माइनस बी का मतलब है फर्स्ट माइनस सेकेंड। फर्स्ट माइनस सेकेंड क्या? तो सिक्स बी माइनस ए माइनस सी, फर्स्ट माइनस ए सिक्स बी माइनस ए प्लस सी, और वो हमने यहाँ पर लिख के दिया हुआ है। इस तरह मैट्रिक्स ऑफ टी बी रिलेटिव टू बेसिस बी कैन बी फाउंड। इट इज ट्रांसपोज ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, थ्री ए हियर माइनस फोर बी माइनस टू ए हियर, सिक्स बी प्लस सी माइनस ए हियर, टेक द ट्रांसपोज, दिस इज मैट्रिक्स ऑफ टी बी रिलेटिव टू बेसिस बी, दिस इज नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट। नाउ लिटिल मोर एक्टिविटी, सी हियर मैट्रिक्स ऑफ टी बी वी हैव ऑलरेडी ऑब्टेंड, हियर वी हैव जस्ट सिंपली कॉपीड। मैट्रिक्स ऑफ बी रिलेटिव टू बेसिस बी वी हैव फाउंड आउट अर्लियर, नाउ वी पुट देम टूगेदर, वी मल्टीप्लाई एंड आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी गेट दिस, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम का रिजल्ट ये आएगा, धीरे धीरे मल्टीप्लाई करें, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम ये आ जाएगा, थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम ये आ जाएगा, और ये हमने अभी निकाल के दिया था, ये था मैट्रिक्स ऑफ टी वी रिलेटिव टू बेसिस बी। आप देख सकते हो यहाँ पर, ऑब्जर्व करो दोनों को टुगेदर, दोनों टुगेदर, दोनों को टुगेदर, शायद देखना मुश्किल है, इसे ऑब्जर्व करो दोनों टुगेदर एक साथ, सेम रिजल्ट्स हैं दोनों, इसलिए ये आपका मैट्रिक्स ऑफ टी वी रिलेटिव टू बेसिस बी आ चुका है। इस तरह से हमने क्या वेरीफाई कर दिया? वी हैव वेरीफाइड मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू बेसिस बी इनटू वी रिलेटिव टू बेसिस बी इज इक्वल टू टी वी रिलेटिव टू बेसिस बी। इस थ्योरम को जो ये लिखा हुआ है, इसे कहते हैं कि एक्शन ऑफ टी इज प्रिजर्व्ड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्शन, एक्शन ऑफ टी इज प्रिजर्व्ड अंडर इट्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, इज प्रिजर्व्ड अंडर इट्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। इसी को बोलते हैं, सपोज एग्जाम में ये चीज पूछ दी जाए तो आपको यही करके देना। तो दिस वीडियो अप टू हियर आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। आप धीरे धीरे अगेन एंड अगेन करें, आपको पता लग जाएगा क्या है, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना और समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सब्सक्राइब कर दें, दूसरे फ्रेंड्स को भी बोल दें, दे शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस वर्क। थैंक यू।